हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ TCS। तो फ्रेंड्स, क्विकली इस वीडियो को कवर करेंगे। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, जब 3000 का प्राइस जो है हिट किया था TCS ने, जो कि काफ़ी बड़ा फॉल था, जहाँ पे इसने रिसेंटली 4000 के ऊपर का हाई बनाया था, और वहाँ से फॉल होता हुआ वो सीधा हमें देखने को मिला था 3000 के नीचे। उसी टाइम पे मैंने आप लोगों को बोला था फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली थी TCS के बारे में, कि कौन सी चीज़ें हैं जो इस शेयर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है, और आप इस प्राइस से यानी 3000 पे भी इसको बाय कर सकते हो, और जितना पॉसिबल नीचे हो सके वहाँ पे बाय कीजिए, अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। क्या चीज़ें थी उसके पीछे और क्या रीजंस थे वो भी बताए थे। तो वो जर्नी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 2953 का लो बनाया है, और उसके बाद जो है कंटिन्यूसली हमें पिछले 1 मंथ में उछाल ही उछाल देखने को मिला। यहाँ पे 3000 भी प्राइस पकड़ेंगे फ्रेंड्स हम, तो आज के सेशन में हमें जो है, जो लास्ट वाला सेशन था, सॉरी, 3327 का हाई बनता हुआ नज़र आया। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे टारगेट जो है रिसेंटली जो है एनालिस्ट की तरफ से बताए गए थे, जहाँ पे 3700, 3800 और 3900 के जो टारगेट्स है वो इजीली अचीवेबल है TCS के लिए, ऐसा रिपोर्ट्स में जो है मैं जो था शेयर किया गया था, जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो आगे की जर्नी भी काफ़ी अच्छी रह सकती है, जिस तरीके की रिपोर्ट से आप देखिए 26 to 28% मार्जिन बैंड इन द लॉन्गर टर्म इन TCS गाइडिंग बियॉन्ड बी अकाउंट एंड गिव्स अस कॉन्फिडेंस, समीर सेक्सरिया। तो इनकी तरफ से जो है स्टेटमेंट दिया गया है, जहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्गर रन में 26 to 28% की मार्जिन बैंड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं TCS से रिलेटेड, जहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें जो है मैनेज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड बताई गई है, और उसी की वजह से दे आर वेरी कंफर्टेबल इन लॉन्ग टर्म कॉस्ट। तो यहाँ पे ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और उसी बीच जो है, जो जर्नी हमें देखने को मिली रिसेंटली 3000 से लेके 3300 एंड प्लस के जो है टारगेट्स आगे तक आया है ये जो शेयर है TCS का, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए आप TCS की कितनी अच्छे से जंप हुई है। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिएगा आप फ्रेंड्स, तो 12 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैपिटल जो है अभी कंपनी की है। तो डे बाय डे जो है रिसेंटली हमें ये फर्म काफ़ी स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है, और उसी की वजह से काफ़ी ऊंचे टारगेट्स भी जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्रेंड्स, और जो लोग चाहते हैं कि TCS किस तरीके से जो है इतना स्ट्रांग शेयर है, और कौन से ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स है जो TCS को काफ़ी स्ट्रांग बनाते हैं फंडामेंटली और टेक्निकली, उसके लिए प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखिए TCS के बारे में, आपको पूरी आइडिया आ जाएगी, और इससे आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होगी फ्रेंड्स, कि आप TCS में किस तरीके की और किस लेवल पे एंट्री करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो यही सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।